हमारी सभी कटिंग्स जो है लग गई हैं, कोई भी कटिंग सूखी नहीं है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसके पहले हमने जो फरवरी में कटिंग्स लगाई थी वो भी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हुई हैं और कितने बड़े बड़े वो पौधे बन गए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में जितने भी गुड़हल के पौधे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पौधे हमने फरवरी में लगाया था। सारी कटिंग्स जो है फरवरी में लगाया था और देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जो ग्रोथ है इनके अंदर हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ गुड़हल की कटिंग्स हैं जिनको हमने अभी लगाया था करीब एक महीने पहले, और देख सकते हैं हमारी सभी कटिंग्स जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस इनमें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, ये हमारी सारी कटिंग्स हैं। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हम आपको अब बताएंगे कि गुड़हल की कटिंग्स आप कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाना है, क्योंकि कई बार कई लोग कहते रहते हैं कि गुड़हल की कटिंग्स जो है उनको लगाने के बाद वो कटिंग्स जो है सूख जाती हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमारी सभी कटिंग्स जो है लग गई हैं, कोई भी कटिंग सूखी नहीं है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसके पहले हमने जो फरवरी में कटिंग्स लगाई थी वो भी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हुई हैं और कितने बड़े बड़े वो पौधे बन गए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में जितने भी गुड़हल के पौधे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पौधे हमने फरवरी में लगाया था। सारी कटिंग्स जो है फरवरी में लगाया था और देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जो ग्रोथ है इनके अंदर हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। और कुछ पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये हमने लास्ट ईयर जुलाई में लगाया था। ये जितने बड़े बड़े पौधे आप देख रहे हैं इनको हमने जुलाई में लगाया था और ये हमारे फरवरी की लगाई गई कटिंग्स हैं। इन सभी को हमने फरवरी में लगाया है और देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इनमें जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये पूरा एक बेड है, इसमें पूरी अच्छी तरीके से हमारी कटिंग जो है चल रही है। और ये कटिंग्स को हमने अभी 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर लगाया हुआ है और ये भी अच्छी तरीके से जो है लग गई हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इन कटिंग्स को आपको कैसे लगाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ गुड़हल की कटिंग्स हैं जिनको हमने अपने पौधों से काटा है। ये कुछ ब्रांचेस हैं, इन्हीं ब्रांचेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और उसके बाद में आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से इन कटिंग्स को लगाना होता है। तो चलिए पहले इनको कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे आपको इन्हें लगाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है और कटिंग करीब 4 से 6 इंच जितनी लंबी इस तरीके से आपको काट लेनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की जो ब्रांचेस हैं उनको अलग कर देना है और इसी तरीके से आपको कटिंग को जो है काट लेना है। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको अपनी कटिंग काटनी है। जो कटिंग हम काटेंगे उसके लिए जो कटर यूज करेंगे कुछ इस तरीके का शार्प कट होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का कटर नहीं है तो आप इनको किसी ऐसे धारदार औजार से इस तरीके से काटेंगे कि एक बार में सारी जो कटिंग है वो कट जाए। इनका जो ये नीचे का पोर्शन है जो ज़मीन के अंदर जाएगा, इसमें जो है बिल्कुल शार्प कट लगा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी कटिंग जो है वो सूख जाएगी। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है, आपको किसी भी औजार से इनको एकदम शार्प कट कर दीजिए। शार्प कट लगाने के बाद आप इनको इस तरीके से देख सकते हैं, हमने अपनी कटिंग्स को काट लिया है। यहाँ पर ये देखिए, जब आप कटिंग काटेंगे तो इस तरीके से काटेंगे कि नीचे का हिस्सा नीचे रहेगा, इसे ही रखना है। नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का ऊपर, इस तरीके से आप रखते जाइए। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्हें लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इतनी कटिंग्स को काट लिया है और अब मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी पॉलीथीन्स है, ब्लैक कलर की पॉलीथीन। इनमें पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी जो कि सूख गई थी, तो उन्हीं पॉलीथीन्स में हम अपनी जो कटिंग्स हैं गुड़हल की, इस तरीके से इनको लगाएंगे। ये देख सकते हैं एकदम गीली मिट्टी है, इसलिए हमें इनमें पहले से होल नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो हमें पहले होल करना पड़ता, फिर इस तरीके से ऐसे कटिंग को लगाते। लेकिन अभी क्या है कि एकदम गीली मिट्टी है, आसानी से लग जा रही हैं। तो इनका दो हिस्सा लगभग जो है अंदर लगा करके इस तरीके से दबा दिया जाएगा। इसी तरीके से हम सारी कटिंग्स को लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगाकर उंगली से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से इस तरीके से दबा देना है। देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको भी अपनी कटिंग्स को लगाना है और इस तरीके से आप सभी कटिंग्स को लगाने के बाद ऐसे दबा दीजिए। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हम लगाते हैं और हमारी सारी जो कटिंग्स हैं वो लग जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाइए, मैं भी लगा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपनी कटिंग्स को लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको अपनी कटिंग्स को लगा लेना है और उसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं पानी दे देना है।
इस तरीके से अपनी कटिंग्स को पानी देने के बाद आप इस कटिंग को बिल्कुल भी छेड़े ना, बिल्कुल कोई इस तरीके से आपको टच भी नहीं करना है, और तक इनमें रूस ना निकल आए, ये जगह एक समझ लो कि इनको एकदम फिक्स हो गई है, इन्हें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना है, पानी रेगुलर ध्यान रखना है, पानी देते रहना है, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इस तरीके से कटिंग्स होंगी और धीरे धीरे फिर आपकी कटिंग इस तरीके से बड़ी बड़ी हो जाएंगी और आपके सारे पौधे जो है सारी कटिंग्स लग जाएंगी। और देख सकते हैं हमारे सभी पौधे सभी कटिंग्स लग गई हैं और कुछ में तो ये देख सकते हैं ये कलियां भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।